मेरा नाम है रिदू रिदू दिल्ली से दिल्ली में आने के लिए 15-16 साल हो गया आने के लिए। वहाँ से जबना टूटा तो फिर यहाँ आए। मुझे जबना से आने के लिए यहाँ पर 8-9-10 साल हो गया। बनाना पड़ा, अपना अपना खर्चा से बनाना पड़ा। यहाँ पर बना के तब रहे। यहाँ पर कुछ नहीं था, खाली प्लॉट था। मेरे घर पे है 5 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, एक आदमी कमाने वाला। हम लोग 6-7 आदमी खाने वाले। ये तो है, ये चिंता तो लगा रहता है हमेशा कि कब पता नहीं हुआ में मजदूरी मिले चाहे नहीं मिले या नहीं मिले। खाने का तो परेशानी है, कभी कमा लेता कभी नहीं कमा। रिक्शा चलाने जाता, 100-150 रुपया गुजारा करना पड़ता है। 70-80 रुपये गाड़ी का किराया चला जाता है। जो बचता 50-60 रुपये उसी में से अपना बाल बच्चों को खिलाती हूँ पिलाती हूँ। थोड़ा बहुत बच्चे लोग को कम पेट का कम खिलाती हूँ, मगर सबको बराबर खिलाती हूँ सारे बच्चे को। तो यहाँ मतलब सारा चीज़ महंगाई है, सस्ता कोई चीज़ नहीं है। चावल है 30 रुपये किलो, लकड़ी है 10-12 रुपये किलो। लकड़ी चुन चुन के हम लोग ला के बनाते खाते। जंगल में जाती हूँ, जब इतना तकलीफ होता खरीद के तो खा नहीं पाती हूँ। जाती हूँ तो बनता ही नहीं, कुछ भी नहीं बनता। बोलता पूर्व ले क्या, पूर्व वही राशन कार्ड मांगता है, पहचान पत्र मांगता है पहले पुराना, कि वही ला के दो तो बनेगा। जिसका पूर्व है उसका बन के आ रहा, जिसका नहीं है उसका नहीं बन रहा। 6-7 साल से हम लोग पहचान पत्र के लिए भर रही हूँ, कागज फार्म भर रही हूँ। हर साल डालती हूँ, हर साल ऐसे चला जाता है, नहीं बनता। हम लोग का कोई पूर्व नहीं है। जिसका प्रूफ है उसको प्लॉट मिला, और जिसका प्रूफ नहीं है उसको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। उम्मीद करती हूँ मगर उम्मीद सब हट जाता है, नहीं मिल। इतना तो बताया नहीं जो किस लिए भेजा जा रहा है, किस लिए नहीं भेजा जा रहा है, इतना बताया नहीं बताया। बस इतने खाली यहाँ पर ही भेज दिया। इसे उस जगह से इस जगह और ज़्यादा ख़राब है, जो इस जगह में रोजी रोटी भी नहीं मिलता सही ढंग से खाने पीने के लिए। हम लोग ऐसे फुटपाथ में रह रही हैं।